हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मस्त। अच्छा, तो हम शूडो फोर्स पढ़ रहे थे। तो शूडो फोर्स कब लगता है बेटा? जब पहले फ्रेम के बारे में देखा था हमने, दो टाइप की फ्रेम होती है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन्स के लॉ सीधे सीधे लग जाते हैं, यानी जिन फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होता है, बात समझ आ रही है? दूसरा, ऐसी फ्रेम जिनके पास है तो वो वाले नॉन, और उनके अंदर एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अगर वैलिड करना है तो। और वो किधर लगेगा? मतलब जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वैल्यू कितनी होगी? एम ए, मास होगा ऑब्जेक्ट का खुद का, ए होगा फ्रेम का एक्सेलरेशन। बात समझ आ गई इतनी? अच्छा तो ठीक है। अब मैंने शायद पिछले से पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, एक वो रिंग वाला, याद है? मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपन आगे की कहानी। और दो क्वेश्चन कल भी दिए थे शायद, ये एम मास का है और ये भी एम मास का है। अरे इस तरीके से ये फिक्स्ड रिंग है, बोलो। अच्छा तो तुम्हें टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, शायद यही काम करना ना। कोई बच्चा बताएगा मुझे ये एंगल कितने होंगे? 45 भी हो गए। ये भी कितना होगा? 45। क्यों? क्योंकि ये आर और आर, तो ये क्या होगा? आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। अरे समझी बहुत ही पूछोगे, और एक एंगल तो 90 दिख जाए तो बाकी दो इक्वल होनी है। अरे बात समझ आ रही है क्या? अब हम क्या करते हैं, दोनों का एफबीडी बना लेते हैं, दोनों मोतियों का। तो पहले का बनाए ऊपर वाले का, कुछ इस तरीके से। अरे इस तरीके से ना, क्या क्या लग रहा है बेटा इसमें? एक तो लग रहा है इधर टेंशन, एक इधर क्या लग रहा है एम जी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल, और ये एंगल कितना है? तो इस टी के क्या लेने पड़ेंगे? घटक ले लो। तो घटक लोगे तो कितना आएगा? टी कोस 45, और इधर कौन सा आएगा? टी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा ना? ये आएगा टेंजेंशियली इधर लेफ्ट की ओर, क्योंकि ये क्या है? सर्कल है, और सर्कल में किसी भी पॉइंट पर किधर जाएगा? स्पर्श रे की दिशा में जाएगा, बाकी तो वही और दिशा में जाने जा ही नहीं सकता। जैसे ये वाला किधर जाएगा? नीचे। अगर यहाँ होता तो वो किधर जाता? इधर या इधर जाता, है ना? यहाँ वाला किधर जा रहा होता? ऊपर या नीचे? अभी इसके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि वो इधर जाए। अच्छा तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना हो गया? अब इसके लिए इक्वेशन लिखो मुझे। सिर्फ टी साइन 45 है, इक्वेशन नंबर। अब मैं ज्यादा अच्छा है कि मैं इसको A1 लिख दूं? अरे लिख दूं ना, सेम लेंथ के लॉन्ग आएगा। हाँ हो सकता है कल को लेंथ के लॉन्ग यही आ जाए, A1 इक्वल टू A2 आ जाए, लेकिन अभी से क्यों माने हम? नहीं बात समझाई? ये तो वही हो गया कि ऐसे एक वो छड़ रखी हुई है रोड, वो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये और ये तो अलग अलग हो सकते हैं ना, लेंथ के अलोंग सेम रहेंगे। अलग चीज, दूसरे वाले का एफबीडी बनाते हैं। दूसरे वाले में एम जी लग रहा है इधर, अरे लगा कि नहीं लगा? एक टेंशन लगा इधर की ओर, यस और नो? तो ये एंगल कितना है? 45 भी रहेगा। चाहे ये वाला देखो, चाहे ये वाला, ये कितना आएगा? और टी। अब कोई बच्चा बता दे मुझे नॉर्मल किधर लगेगा? नॉर्मल तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो तो इधर लग सकता है या इधर लग सकता है। अब देखो टेंशन इधर है ना, ये वाला कम, इसको बैलेंस करने के लिए इधर ही लगा रहा होगा। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? नॉर्मल। और इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना है? मैं मान लेता हूँ कितना है A2। इसके लिए इक्वेशन लिखवाना, टी कोस एम A2, इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन अपन वहां से ले आते हैं, कहाँ से? इनके रिलेशन से। कौन सा? कंस्ट्रेन वाला। अच्छा, तो कंस्ट्रेन वाला क्या बोलेगा? उसका इस डायरेक्शन में टेंशन कितना है बेटा? टी साइन 45 इंटू A1, और ये माइनस में हो जाएगा टी कोस 45, तो माइनस टी 45 A2 बराबर 0। अब देखना ये टी कोस 45 साइन 45 इक्वल ही होता है, कैंसिल आउट हो, A1 बराबर A2 ही आया। लेकिन ये आया है, जरूरी तो नहीं है कि आए, जरूरी नहीं है ना। हाँ इसको नोट कर लो फिर, समझ आ गया?
ये तीनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अपना मेन काम क्या था बेटा? तीनों इक्वेशन को बनाना। जैसे ही हमने तीनों इक्वेशन बनाना सीख लिया, अपना काम बन गया। अरे बना कि नहीं बना? बन गया ना, बस बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़े कल वाले क्वेश्चन के ओर, या भाई साहब नोट करेंगे अभी? दादाजी चलो, अब कल मैंने आपको शूडो फोर्स वाले क्वेश्चन दिए थे, दो दिए थे क्या? एक बता दो तो दूसरा हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। और उसमें कुछ ऐसा था, पहले मैं फोर्स पूछ रहा था क्या मैं? अच्छा, दोनों अलग अलग थे भाई, सेम नहीं थे। ये एम मास है और ये 2m मास है, यही था ना? अब इसके ऊपर मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये क्या आ जाए बेटा, एम वाला 2m के रिस्पेक्ट में किसमें आ जाए? तो हमने कल एक चीज देखी थी, याद है क्या? टेन थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? ए बाई जी। ये तो याद है क्या? ये मैं दोबारा नहीं करवाने वाला हूँ, अगर नहीं याद है दोबारा FBD बना लो, वही आ जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है ए, अरे यार नहीं समझ आई क्या? अगर मैं मान लेता हूं कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है ए, तो टेन थीटा की कंडीशन ए बाई जी आई थी कि नहीं आई थी? ये तो याद है। अब कैसे आई थी तुम सोच लो। अब यार ये फोर्स लगा रहे तो इससे क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एफ इक्वल टू 3ma। अरे यार बोलो, तो ए इक्वल टू कितना आया? एफ अपॉन में 3m, और उसमें रख दो तो टेन थीटा इक्वल टू कितना है? एफ अपॉन 3mg। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 3mg टेन थीटा। ये आंसर है। अच्छा तूने एक्सेलरेशन फिर ये कर दिया होगा एम ए। क्या इसके लिए लिखा? क्या इसके लिए तूने पूरा अलग से बनाया FBD? बना सकता, आंसर ये आना है अंत में। नहीं समझाया कैसे क्या मैंने? कल ये वाली कंडीशन के मैं दोबारा बताऊं क्या? नहीं बताने की जरूरत है ना। मैं मान लेता हूं कि इसका एक्सेलरेशन कितने से जा रहा है? ए से जा रहा है, और जब जा भी रहा है एक्सेलरेशन तो है। क्या हमने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्या? आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा आगे की कहानी सुनो फिर। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, वो थोड़ा अच्छा था। ये कितना है थीटा? मास कितना था इसका? और इसका कितना है एम? अरे बोलो, इतना ही था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक तो मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा है पूरे सिस्टम को, और फिर मैंने क्या कर दिया था? इसको रिलीज कर दिया था। अरे कर दिया था ना, तो आपको एम और 2m का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। अब देखो, एक्सेलरेशन निकालने से पहले सोचो कि हो क्या रहा है यहाँ पर, तब तक नहीं समझ में आएगा क्या होगा। अब तुम सोचो सही, अगर मैं अकेले 2m को रख दूँ तो यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही m के ऊपर रख के रखूँगा m को, तो ये 2m जाएगा इधर और m आएगा इधर। नहीं, m इधर नहीं आएगा, पता नहीं नीचे आएगा कहाँ आएगा, लेकिन कम से कम अपन को ये लगता है कि वो इधर तो नहीं आएगा। सर अगर मैं इसके अंदर बैठ के देखूँ तो फिर इधर ही आएगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में मुझे पक्की बात से पता है, इसके रिस्पेक्ट में। हाँ, अगर मैं इस नत तल के अंदर ही बैठ जाऊं तो मुझे कैसा लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में ही जा रहा है, और ये वाला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है बेटे? ये किसके रिस्पेक्ट में है? और अगर मैं A1 ये मान लेता हूं, A2 किसके रिस्पेक्ट में है? इंक्लाइन प्लेन, यही है ना? अरे बोलो, अच्छा ये इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हमें तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए ना इसका। अब एक बार इसके रेस्पेक्ट में तो निकल जाए, फिर अपन वो भी निकाल देंगे, ऐसा क्या है? वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर, जब ये A2 निकल जाएगा तो बाकी काम तो करना तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मैं इसको पूरे को समझा देता हूँ, प्रयास करना कि अच्छे से समझ में आ जाए। अरे ठीक है ना? हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। तो हमने मान लिया है कि ये जो A1 एक्सेलरेशन है वो बड़े वाले का है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अरे यार बोलो, तो सबसे पहले आप उसी का FBD बना दो। हम किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं?
हाँ, इसका किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, ये बात लिख देना कहीं पर, बात समझा गई। इसका मास कितना है 2m, तो एक 2mg लग रहा है, एक क्या लग रहा है नॉर्मल, सीधा सीधा दिख गया, एक ये वाला नॉर्मल इसके ऊपर लगाएगा या नहीं लगाएगा, अरे हाँ इसके कंपोनेंट ले लो, तो ले लो कंपोनेंट, जैसे ये वाला इधर आएगा ना परपेंडिकुलर, बोलो तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा, फिर से ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो मुझे इसके कंपोनेंट बताओ, एन कोस थीटा और एन साइन थीटा, तो मैं सीधा सीधा लिख दूँ ना इधर इधर, एन कोस थीटा और एन, अपने काम का सिर्फ और सिर्फ एक है वो है एन साइन थीटा, सही है बेटा। अगर ध्यान से देख, इसके अंदर ये एन है ना, तो ये एन कोस थीटा और ये एन साइन थीटा, और ये थीटा है, सही से लिखा मैंने, ये 90 हो गया, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा 90 है तो ये थीटा होगा, ठीक है। ध्यान से देख लो फिर से, मैंने कैसे कटक लिया, समझ आ गया ना। अच्छा अच्छा, अपने काम का सिर्फ और सिर्फ कौन है, एन साइन थीटा, ये किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं है, बैलेंस हो जाएगा, ग्राउंड वाला एन जी, इसको एन जी लिख देता हूँ, ये बैलेंस कर देगा, तो इधर कोई मोशन भी नहीं है। अच्छा इसका कितना आएगा, इस अब इसके लिए इक्वेशन बोलो, 2m u1, ये बन गई पहली इक्वेशन, अरे बनेगी नहीं बनी, अब दूसरी इक्वेशन बनाए इसका, इसके लिए तो इसका FBD बनाते हैं, किसका, किसका, ब्लॉक का, ब्लॉक का FBD किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, इनक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, अरे बढ़िया बात है, ये समझ में आ रहा है, नत तल के सापेक्ष हमने क्या बना रहे हैं बेटा, इसका FBD बना रहे हैं, और वो ब्लॉक कैसा है, ये एम मास हो गया, अब वो मैं सीधा सीधा ही दिखा रहा हूँ, एम जी साइन थीटा, और इधर एक नॉर्मल लग रहा होगा, कहाँ से, वही वाला नॉर्मल, वही वाला नॉर्मल जो इसने इस पे लगाया, तो इसने उस पे भी लगा दिया होगा, अरे वो तो बात खत्म हो गई। अच्छा 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 ठीक है सर, और क्या चीज़ समझ आ रही है तुमको, एक शूडो फोर्स, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो इसके पास तो एक्सेलरेशन है, तो ये तो कैसा बन गया, नॉन इनर्शियल, इसका मतलब शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर ये इधर जा रहा है तो आपको एक इधर एम ए लगाना ही पड़ेगा। अब इसके कंपोनेंट लेने आते हैं क्या, नहीं आते, देखो ये एंगल थीटा तो ये भी, अरे बनेगा क्या, कोई बात नहीं, देखो ये एम ए इधर आएगा ना इसके ऊपर, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा बनेगा, अरे जेड जहाँ बन जाता है, कितना समझाना पड़ रहा है तुमको, हाँ तो ये एम ए इधर कितना आएगा, और इधर वाला एम ए, देखो ये सब तो आपस में बैलेंस हो ही जाएंगे, क्योंकि कोई इधर मोशन नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। एक चीज़ और भी है, इसके रिस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन है, वो है ए टू, लेकिन ये ए टू किसके रिस्पेक्ट में है, इनक्लाइन प्लेन, ये याद रखिए बार बार, आपसे अगर ग्राउंड पूछ लेगा तो ग्राउंड वाला आंसर वो नहीं होगा, फिर जो आप ए टू निकाल दोगे, ए टू आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इनक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में। अब सारे लिख दिए मैंने, बताओ इक्वेशन बोलो, एम ए कोस थीटा, इक्वेशन नंबर दो, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया, अभी इनको सोल्व करने की बारी है, बताओ कितने वेरिएबल हैं, अच्छा अभी तक नॉर्मल निकला नहीं ना अपना, निकल जाएगा वो, ये देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, ये बैलेंस होने चाहिए ना सारे, क्या अच्छा ए वन, सही बात है ए वन, ए वन, अरे वो ए वन है ना, अरे ए वन मैंने ए लिख दिया गलती से, बस कोई नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक, एम ए वन, तो एम ए वन कोस थीटा, एम ए वन साइन थीटा, अब क्या किया, इधर इसके नेट फोर्स होने चाहिए, तो एम ए वन कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, एम ए वन कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम ए टू, ये बात समझाती है ना। अच्छा 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 अच्छा, अब अपन को n की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी, ये और ये आपस में क्या होनी चाहिए बराबर, बताओ बताओ ऊपर की तरफ कौन कौन लग रहा है, n और एम ए वन, तो लिखो n प्लस एम ए वन बराबर, क्या कोई बच्चा बता पाएगा मुझे यहाँ से n की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कितनी आ रही है बेटा,
एम जी कोस थीटा या यही है ना, ये तीसरी इक्वेशन है। आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो इसकी वैल्यू एन की, रख दूँ? अरे रख देता हूँ, क्योंकि फिर दो ही वेरिएबल बचेंगे ए वन और ए टू, वो निकल जाएंगे दो इक्वेशन से, रख दो एन की वैल्यू, रखो तो क्या आएगा बेटा, एम जी साइन थीटा कोस थीटा, अरे आया कि नहीं आया, माइनस एम ए वन साइन स्क्वायर बराबर टू एम ए वन, ये इक्वेशन नंबर चार। ये तो नाम दे रहा हूँ एक दो तीन चार, एम सी एम कट गया क्या, ठीक है फिर बहुत बढ़िया, फिर क्या बचा, जी साइन थीटा कोस थीटा माइनस ए वन साइन स्क्वायर थीटा बराबर टू ए वन, ये सर नो, एक काम की क्वेश्चन, एक काम की क्वेश्चन ये भी है ना, इसमें ध्यान से देखो एम से एम सारे गए, अगला बोलो जी ए वन कोस थीटा इक्वल टू ए टू, यही आया क्या, अरे यार ये ए वन तो डायरेक्ट ही निकल रहा है अपना, यहाँ से देखो इसको एक बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर तो एक ही वेरिएबल है, तो जी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू ए वन इंटू में टू माइनस, अरे यार बोल, अच्छा अच्छा तो यहाँ से ए वन की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई, अच्छा अच्छा यहाँ से देखो जरा ध्यान से ए टू की वैल्यू भी डायरेक्ट आ जाएगी, ए टू की वैल्यू कितनी आ रही है, ए वन की रखनी पड़ेगी लेकिन आ तो रही है ना, ए टू बराबर आएगा जी साइन थीटा प्लस ए वन कोस थीटा, तो ए वन कितना है, कोस स्क्वायर कर दूँ सीधा ही, कोस थीटा और कोस थीटा यहाँ से आएगा, अरे कर दूँ के डिवाइड बाई, ये आंसर ये किसका आ गया है, ए टू का, और ए वन भी आ गया ना, यानी दोनों चीज़ आ गई, लेकिन ये ध्यान रखो ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, इंक्लाइन प्लेन पे, सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, अच्छा पहली बात तो ये मैग्नीट्यूड आया है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नहीं समझ आ रही बात, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है, कैसे करना है वो समझ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है ठीक है ना, क्योंकि कल को ये वैल्यू आएगी ना तो जल्दी समझ में आएगा, जैसे मान लो कि ये एंगल 37 डिग्री दे दे है ना, तो ये फटाफट निकल जाएगा फिर, अरे निकलेगा नहीं, सिर्फ एंगल देने की तो बात है, फिर तो फटाफट हो रहा सारा काम, तो जल्दी होगा, तो कैसे करेंगे सर, ये है इसके रिस्पेक्ट में ऐसे, किधर ए टू ऐसे ही है ना, अरे बोलो यार, और ये एंगल कितना है थीटा, तो इस ए टू के कंपोनेंट लो ए टू कोस थीटा, और इधर वाला ए टू, अरे ऐसे आया कि नहीं आया, ध्यान से देख लो आएगा कि नहीं आया, ये ए टू इधर आया और ये एंगल थीटा बनी रहे, तो ये ए टू कोस थीटा और ए टू साइन थीटा, तो मुझे बताओ ए टू एक्चुअल में कितना आ गया वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कितना आ गया, ए टू कोस थीटा माइनस आई कैप हो गया माइनस ए टू, ये इतना बना कि नहीं बना, अरे बना ना, अच्छा अब थोड़ा और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ए टू नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, प्लेन के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, प्लेन के रिस्पेक्ट में है, और वो इतना है, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, ए टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस प्लेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अरे ए टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस प्लेन का ग्राउंड, ऐसे ही करते हैं ना, अब ये वाली जो चीज़ है वो इधर भेज दो, तो ये जो ए टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना आएगा, ए प्लेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लस, वैसे तो ये माइनस हो रहा है लेकिन मैं वैसे लिख देता हूँ, माइनस ए टू कोस थीटा आई कैप माइनस ए टू साइन थीटा जे कैप, ध्यान से देखिए ये कितना है सर, ये तो यही है, ये जो ये आया है ना वो ए वन ही है, अरे ये ए वन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, पक्का पक्का क्या जाएगा, ए वन प्लस, और जो तुम्हारा ए टू आया है वेक्टर फॉर्म में, अरे यार ये ए वन आई कैप नहीं है क्या, ध्यान से देख लो, जो हमने ए वन निकाला है वो किस डायरेक्शन में है बेटा, इस डायरेक्शन में है ना, और ये जो हमने निकाला है वो इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में, अच्छा तो हमने इसको पहले वेक्टर में लिख दिया ठीक तरीके से, वैसे बस पूरा वेक्टर वाला काम कर रहे हैं, अभी आगे वाला मामला पूरा का पूरा ऐसा ही जाएगा, अरे बोलो तो क्या होगा, जब वैल्यू दी जाएगी तो फटाफट हो जाएगा, वरना हो सकता है तुमको इसमें थोड़ा टाइम लग रहा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है समझने की दृष्टि से, ठीक है हो गया क्या।
भाई ए इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? A1। कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप। आई कैप हो गया। बस ये बात अगर नहीं समझाई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये जो A2 है ये किसके रिस्पेक्ट में है? प्लेन के रिस्पेक्ट में है। तो इसको प्लेन के रिस्पेक्ट में ही मैंने वेक्टर में तोड़ दिया, यानी आई कैप और जे कैप में लिख दिया। ये देखो A2 साइन थीटा और A2 कोस थीटा, इधर वाले माइनस माइनस में आ गए दोनों। अच्छा अब ये क्या है बेटा, ये खुद है किसके रिस्पेक्ट में? अरे ये प्लेन के रिस्पेक्ट में है ना। ओहो ये प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखेंगे? A2 माइनस AP, ये तो लिखते ही है। अच्छा तो हमें तो क्या चाहिए? A2 ही चाहिए, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो उस AP को ग्राउंड का जो रिस्पेक्ट वाला है AP, और वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला हमने। देखो मैंने लिखा भी ऊपर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझा की बात? उसको उधर जाके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो आया है वो किसके रिस्पेक्ट में आया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आया है। ये जो आया है वो इंक्लाइन प्लेन। तो ध्यान दीजिए किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, वो करना आना चाहिए। अगर ग्राउंड पूछा है तो आपको दो काम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? पहले तो आपने जो मैग्नीट्यूड निकाला है, परिमाण निकाला है, तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ना आना चाहिए, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अरे आना चाहिए ना, हाँ सीधी सी बात आना ही चाहिए, आई कैप और जे कैप, वो लिख दिया। फिर इस फॉर्मूले को पढ़ना आना चाहिए, ए टू माइनस ए पी, सीधी सी बात है, और वो ए पी को उधर भेज दो, तो जो बच गया वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नोट कर लो इसको। अब देखो एक गड़बड़ है, जब अपन ये निकाल रहे हैं ना, इसके अंदर जब अपन इसको इधर ले गए तो प्लस का होना था, चाहिए था, है ना? तो ये टू प्लस आएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान कर लेना, टू प्लस आएगा, भाई ठीक। और कहीं तो वही प्रिंटिंग मिस्टेक देख लो, नहीं है ना? अरे बोलो, नहीं है पक्का। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस साल आईआईटी में आया था ना, मतलब शूडो फोर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कर लेते हैं, एनएलएम से ही था वो। वैसे क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है? m, कितना है? m, और उसकी वेलोसिटी जो है वो ऐसे दी हुई है। इस बार ना आईआईटी ने नोटेशन भी अलग तरीके से लिखे थे, वो लिखे थे अल्फा एक्स वाई कैप प्लस वाई एक्स कैप। ये वाई का मतलब होगा जे कैप, मैं पहले बता दूं। क्यों नहीं लिख सकते, क्या दिक्कत है? हाँ लिख सकते हैं, लिखते ही हैं। और तो और इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाई कैप ऐसे, इसको लिख सकते हैं ए एक्स कैप, लिखते ही हैं ऐसा, क्या है ठीक है ना? हाँ इस बार तो वेक्टर वाले नोटेशन थे वो सारे ऐसे ही थे। आधे बच्चे तो वहीं ढेर हो गए, जे का देख लियो, अरे मोरी माता। हाँ बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा पार्टिकल का, बस यही क्वेश्चन था। फोर्स पूछा था मेरे ख्याल से, हाँ फोर्स, एफ पूछा था, फोर्स पूछा था। एक्सेलरेशन तो बोला एफ बराबर एम ए करना ही है, तो वेलोसिटी से अगर अपने को क्या चाहिए तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि ए बराबर क्या होता है? डीवी बाई डीटी होता है। करने कोशिश करो एक बार जरा, तुम मैं देखना चाहता हूँ तुम कर पाते हो कि नहीं इस क्वेश्चन को। अभी किसी को अगर नहीं समझा रहा तो इसको जे कैप और आई कैप लिख ले, ठीक है ना? नहीं समझा रहा तो ऑप्शन ऐसे थे, टू एम अल्फा स्क्वायर ऐसे थे, मतलब ऑप्शन बताता हूँ ऐसा था। पहला ऑप्शन टू एम अल्फा स्क्वायर ये लिखा हुआ, फिर अगला था टू एम अल्फा स्क्वायर, बस ये चेंज करके लिखा हुआ आई कैप और जे कैप को। फिर अगला भी ऐसा ही था कुछ, तीसरा चौथा ऐसे ही थे कुछ ऑप्शन, बताओ। नहीं बता पा रहे क्या? मैं फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन टी टी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है? मतलब तुम सोचते हो उतना आसान भी नहीं है,
कि बस डिफरेंशिएशन क्या आंसर आ गया, वो भी करना आना चाहिए। अरे हो पा रहा है क्या? अरे बोलो यार क्या आएगा बेटा? हाँ जरा देखो ध्यान से, ये जो वेलोसिटी है ना वो क्या है बेटा, अल्फा इनटू में इसको लिख दो वी वाई प्लस वी एक्स, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जो एक्सेलरेशन आने वाला है उसमें दो टर्म होंगे ए एक्स और ए वाई, अरे होने वाला है ना बस ये, मतलब ये वेक्टर होती ज्यादा अच्छा है। अरे दो डायरेक्शन वेलोसिटी, दो डायरेक्शन एक्सेलरेशन भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? उनका वेक्टर समय तो करना है अपन को, कुछ करना क्या है? अच्छा तो पहले मुझे बताओ वी वाई इक्वल टू कितना है अल्फा एक्स, अल्फा एक्स है ना, देखो अल्फा एक्स जे कैप, तो ये वाई डायरेक्शन का इतना हो गया, एक्स डायरेक्शन का बोलो अल्फा वाई। अब इसका एक्सेलरेशन डिफ्रेंशिएशन करो तो ए वाई आएगा, और वो कितना आएगा अल्फा एक्स का हो जाएगा, एक्स का होगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी वन हो गया। कब से कब से वन होता है? मैंने तो नहीं सुना। और ए एक्स कितना हो जाएगा अल्फा इंटू में डी वाई बाई, ध्यान से देखो ये क्या है एक्स डायरेक्शन का, अरे नहीं है क्या? और ये क्या है? अच्छा अच्छा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, और ये कितना है? तो ये कितना हो गया अल्फा स्क्वायर वाई, और ये कितना हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स। ध्यान से देखिए ये वाई है तो लास्ट में जे कैप लगा देना, और ये आई कैप लगा देना। एफ बराबर क्या होता है एम ए, अरे बोलो यार, तो एम इंटू में ए ए ए क्या आएगा वैसे एक्सेलरेशन पूरा बताओ मुझे कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर वाई जे कैप प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स आई कैप, वो यहाँ उठा के रख दो पूरा का पूरा, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया वाई वाई कैप एक्स एक्स कैप, ये आंसर है बस। से सोचना कि दोनों डायरेक्शन को अलग अलग ले लो बस, मैं तो कह ही रहा हूँ कब से कि जब भी वेक्टर आ जाए आपको कुछ करना ही नहीं है, दोनों डायरेक्शन को अलग अलग सोचो, जल्दी सोच पाओगे चीज़ों को। क्या कोई बहुत मुश्किल काम था, बहुत बड़ा तीर मार दिया? नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा आईआईटी का, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक में तो नहीं होगा लेकिन एक एक करके हो जाएगा, लेकिन कई क्वेश्चन थे सिंपल थे बेटा, कई क्वेश्चन थे सिंपल थे, मतलब जो बच्चा ठीक ठाक अगर लगा हुआ, अरे मिटा दिया मैंने, मिटा दो ना तुम कर ही लोगे वैसे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो चलो अपन शोडो फोर्स पे आते हैं, अपन नहीं समझ बात, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लें, इसका मास 2m है, ठीक है? सेटअप समझ में आएगा, इसके ऊपर पुली अटैच है ऐसे, और ये ऊपर से ऐसे रस्सी आ रही है, समझ आ रहा होगा? दोनों का बस इसका निकाल दो इसी के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल ही सकते हैं ऐसा क्या, इसका निकाल दो इसके रिस्पेक्ट में, खास 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 बात सोचो, खास बात क्या है? खास बात यह है कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी ए होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? खुद के रिस्पेक्ट। कैसे कैसे कैसे? तुम खुद सोच लो भाई, अगर ये इधर से थोड़ा सा भी इधर आएगा तो जितनी रस्सी इधर से आई है वो इधर ही बढ़ जाएगी, तो ये जितना एक अक्ष किसका, तो ये अक्ष नीचे आया, इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन ए हुआ तो ये ए से ही क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अरे भाई कोई बहुत तगड़ी चीज़ नहीं सोचती हमने, बहुत नॉर्मल सी चीज़ सोची है, तुम देखो ना ये बंधी हुई है, तो जैसे ये ब्लॉक इधर खिसकेगा वैसे ये वाला इधर नीचे भी आएगा, सीधी सी बात है, कंस्ट्रेंड है ये,
अरे है कि नहीं है? लेकिन जितना ये इधर खिसकेगा उतना ही ये नीचे आएगा, किसके रिस्पेक्ट में? खुद के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इसका मतलब इसके ऊपर सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, नहीं पल्ले पड़ रही बात। पड़ गई? बढ़े आगे, बनाओ बनाओ बनाओ। पहले 2M का FBD बनाओ। जो बच्चा 2M का FBD सही सही बना देगा वो अच्छा बच्चा माना जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन 2M का सही FBD बनाते हैं। बनाओ बनाओ बनाओ। रस्सी के अंदर टेंशन टी मान लेना। करवा देता हूँ मैं, तुम 10 मिनट तक ट्राई करते रहो। मुझे बता देना, मुझे बता देना कि क्या मैंने जितना बनाया है उतना सही है क्या। ये हो गया 2M का, एक लग रहा है, एक लग रहा है, और इसका इधर क्या है? नॉर्मल रूम ग्राउंड दे देता हूँ। और ये एक लग रहा होगा इधर, एन ये थीटा है, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। ये क्या, मुझे बता दो, इतने ही दिखाने चाहिए कि हो गया मेरा काम, कुछ और दिखाना है? हैं, टेंशन आएगा। अच्छा, चलो इसके ऊपर सदम्बल आएगा। हैं, हम ग्राउंड से देख रहे हैं इसको। भाई शूडो फोर्स कहाँ से आए? ग्राउंड से देख रहे हैं इसको। ग्राउंड से देखने पे इधर भाग रहा है, सीधी सी बात है। ग्राउंड से देखने पे ये इधर नहीं भाग रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखने पर ये इधर भाग रहा है, ऐसे ही भाग रहा है। अरे इतना मामला क्लियर है ना? हाँ, पुली लगाएगी क्योंकि हमने पुली को नहीं बनाया अभी तक। तो इधर लग रहा है पुली का टी। अरे यार इधर लग रहा है, और एक इधर टी। अब देखो ये थीटा है तो ये भी ये टी कोस थीटा। ध्यान से देखिए, टी साइन थीटा इस नॉर्मल से बैलेंस होगा, ये एन कोस थीटा भी बैलेंस होगा। ध्यान देने वाली चीजें हैं ये, क्योंकि कल को तुम्हें फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा फिर। नहीं बात समझाइए, आगे तो लिखवा दो फिर इसका इक्वेशन। बोलो, टी उधर लग रहा है ना, टी माइनस टी टी कोस थीटा, फिर प्लस का एन साइन थीटा, और बस मैंने ए ही लिया क्योंकि इसका ए है तो इसका भी ए ही होगा ना। इसके रिस्पेक्ट में ये जो बनाया हमने किसके रिस्पेक्ट में बनाया? ग्राउंड। भाई पूरा दिखाना पड़ेगा, पुली वगैरह जो भी इसके साथ है कि नहीं उसको। हाँ, अगर ये रस्सी ऐसे ही होती तो टी इधर आता, कैंसिल हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे नहीं आई बात, बस बहुत बढ़िया। अब एम का भी बना दो। बोलो बोलो, एम जी एक नॉर्मल जो हमने ये लगाया है, यही नॉर्मल है, ठीक है ना? बाकी और बोलो। ये टेंशन आएगा इधर, छोड़ो फोर्स क्या? अरे भाई इसके रेस्पेक्ट में इसका बना रहे हैं तो ये चेंज क्यों होगा? हाँ, एंग नहीं समझाया क्या तेरे को? ये थीटा ही है ना? एक मिनट मैं समझाता हूँ इसको। हाँ अब बोल बेटा, ये एम में क्यों आया? अरे तो A1 को मैंने A ही लिखा है भाई, ये A1 और इसका A2, लेकिन वो है तो इक्वली ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है कि नहीं है? देखो ये A से इधर जा रहा है, जितना इधर जाएगा उतनी तो रस्सी खुलेगी इधर से, और वो जो खुलेगी उधर ही बढ़ जाएगी। दिख रहा है यहां तो साफ साफ दिख रहा है। नहीं बात समझाई। अरे बोल, नहीं ये क्या समझ, पता ही नहीं क्या, ठीक है। और ये इक्वली है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जब देख रहे हैं तो इसके पास तो एक्सेलरेशन है, इसलिए सूडो फोर्स लगी गई लगा दिया हमने उल्टी डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। हाँ, एक ए भी आएगा। ए किस डायरेक्शन में है ऐसा? अरे यार विपरीत क्यों है? इस डायरेक्शन में आ रहा है भाई, इसके अंदर बैठ गया तो कैसे दिखाई देगा? ये इधर आता हुआ नहीं दिखाई देगा क्या? तो वही है, इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है।
हद हो गई तो। अरे बोल क्या दिक्कत है तेरे को, अभी सही है मामला? हाँ चलो बताओ फिर, लिख लेना ये किसके रिस्पेक्ट में है, प्लेन के रिस्पेक्ट में बोलो। एम ए कोस थीटा इक्वल टू, बस हो गया काम अपना। सर एक इन दोनों भी आपस में बैलेंस कर रहे होंगे, वहां से नॉर्मल तुरंत निकल जाएगा, कर दो। एन एम ए साइन थीटा बराबर एम जी, तो एन बराबर कितना आ गया, ये अपना नॉर्मल तुरंत निकल आया। जैसे ही नॉर्मल निकल आए तो टेंशन तो रही गया, अरे टेंशन ही रहा ना, टी यहाँ से निकल जाएगा, बोलो टी निकला, एक यहाँ से क्यों निकल गया नॉर्मल, इस दोनों में टिका दो एक ही वैल्यू तुरंत आ जाएगी। निकालोगे ना, निकाल लो फिर, मैं आगे कुछ नहीं बताने वाला, इक्वेशन बना दिया मैंने, फिर बता देता हूँ क्या करना है। देखो देखो देखो, यहाँ हमने एक नॉर्मल निकाल लिया, एक यहाँ से टेंशन भी निकाल लिया, इस टी को इधर भेज दो, फटाफट आपका टी आ जाएगा, इस टी को यहाँ रख दो। अरे रख सकते हो ना, तो रख दो, और क्या करना है, जैसे ही रखोगे इसके अंदर टी भी रख दो और एन भी रख दो, दोनों है रखे हुए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, यानी एक ही वैल्यू आ जाएगी, वही चाहिए था। ठीक है छाप दो इसको फटाफट, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया सा। सीट है किसी के पास, सीट है किसी के पास, हाँ उसमें से मिल जाएंगे क्वेश्चन डंके डंके, देखते हैं कोई आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा क्वेश्चन। पहले ये देख लो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे एक लिफ्ट है बेटा, ठीक है इस तरीके की, ओके ये क्या है लिफ्ट, और इसके अंदर एक अरेंजमेंट है, एक पुली लगी हुई है, एक 2 kg का ब्लॉक है, एक क्या है 4 kg का ब्लॉक है। आपको बताना है जो ये रस्सी है ना, इसके अंदर टेंशन कितना आएगा, इसके अंदर टेंशन कितना आएगा। अगर जो अपनी ये लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है 2 m/s² से, तो आपको क्या निकालना है टेंशन। फेंक मत हिलता है, ठीक है आपको क्या निकालना है बेटा, ये वाली जो रस्सी इसमें टेंशन कितना होगा, अगर 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 आपकी जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है, कितने से, दो तरीके हो गए आपके पास, या तो आप ग्राउंड से देख के इसका डायग्राम बनाओ FBD, या लिफ्ट के अंदर बैठ के बनाओ FBD। जब लिफ्ट के अंदर बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन इनर्शियल बनेगा ना, और नॉन इनर्शियल में आपको शैडो फोर्स करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसके उसके अंदर आपके पास खुद के पास क्या जाएगा एक्सेलरेशन, यानी फ्रेम के अंदर क्या जाएगा एक्सेलरेशन। देख लेते हैं कितना आ रहा है, अरे देखो ओ भाई ओ देखो क्या करें, FBD बना दें दोनों का सीधा सीधा, कुछ कर ही नहीं सकते, तो FBD बना दो, 2 kg वाला बनाना भैया। हम मान लेंगे कि 2 kg वाला लिफ्ट के अंदर बैठने में देखने कैसा लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से। अच्छा एक क्या आ गया टेंशन आ गया, एक क्या आ गया 2g आ गया, एक क्या आ गया 2a आएगा, a की वैल्यू कितनी है 2। अरे शूडो फोर्स आना पड़ेगा भाई, अच्छा जा किधर रहा है ऊपर a, बोलो इसका इक्वेशन बोलो, टी माइनस ये 20 बन गया, माइनस 4 बनेगा बराबर 2a। एक मिनट इसको एक बार ठीक से लिख देता हूँ, तो टी बराबर कितना हो गया 24 + 2a, इक्वेशन नंबर 1। अरे ये वाला ए अलग है भाई, ये है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखने पर ये ऊपर की ओर जा रहा होगा, लिफ्ट के अंदर भी तो ये खेल खेल रहे होंगे, नहीं समझ आई बात, आ रही है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ जमीन से देखोगे तो इसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जमीन से देखने पर लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, मतलब ये ऊपर भी जा रहे हैं और अंदर ही अंदर ऐसे घूम भी रहे हैं, मामला ही गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से देखने पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा कि हाँ ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, पता नहीं कितने जा रहे हैं, वो निकाल लेते। अरे बोलो अब 4 kg वाला देखो बेटा, 4 kg वाले पे 40 तो नीचे की ओर, एक टेंशन
और एक नीचे चार ए, यानी आठ और लगेगा एम ए शूडो फोर्स। अरे इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, शूडो फोर्स ठीक है। कितना आ गया आठ, ये चालीस और ये ठीक, और तो कुछ नहीं है ना। और इसका नीचे की ओर कितना है ए, बोलो, चालीस प्लस आठ माइनस टी बराबर चार ए, कितना हो गया अड़तालीस। तो टी की वैल्यू रख दूँ ऊपर वाले से, अड़तालीस माइनस चौबीस माइनस दो ए बराबर चार ए, कितना बनेगा ये चौबीस बराबर छः, तो ए बराबर कितना आएगा, अरे बोलो सही किया मैंने, ये देखो चौबीस बचेगा, ये इधर जाएगा सिक्स एस डेढ़ कर दो चार है। अब किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, तो टी बराबर कितना हो गया चौबीस प्लस दो गुणा चार, चौबीस प्लस आठ बराबर बत्तीस न्यूटन। अच्छा चौबीस है ना यार, चौबीस और आठ बत्तीस, हाँ तो इसमें बत्तीस आएगा और इसमें चौसठ। अरे बोले यार समझ आ गया होगा, यह आएगा फोर इंटू में एक्सेलरेशन किसका, लिफ्ट का, चलो ये शुरू फोर्स, हाँ वही तो कह रहा हूँ चार मीटर पर सेकेंड का है, और 32 न्यूटन क्या आ गया टेंशन। अरे बोलो सिंपल था ना, हाँ बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल ही है बेटा, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो आपसे होगा नहीं, ठीक है ना, इस सीट में तो कम से कम सारे हो जाएंगे आपसे। ठीक है एक क्वेश्चन ये दे रखा है, तुम खुद ही बता दोगे वैसे। हाँ बेटा जैसे ये है, ये एम मास का ब्लॉक है और इसके यहाँ एक और छोटे एम मास का ब्लॉक चिपका दिया गया है इसे, ठीक है ना। मुझे बताओ F की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे M इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, क्या ये M इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रह पाएगा, पॉसिबल है क्या सर। देखो ये कुल मिला के ऐसा कहना चाह रहे हैं, जैसे ये ब्लॉक हो गया ना, है ना, अरे ऐसे है ना, और मैं ऐसे रखूँ और इसको ऐसे किसी फोर्स से दूँ, गिर गया, लेकिन वहाँ जाके गिरा, पहले नहीं गिरा, बस समझ आ रही क्या, पॉसिबल है, लिखे कि यहाँ तो फ्रिक्शन है ना इसलिए पॉसिबल है, यहाँ तो फ्रिक्शन है इसलिए पॉसिबल है, और बस असल ज़िंदगी में फ्रिक्शन नाम की कोई चीज़ मतलब असल ज़िंदगी में ही होती है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, उल्टा बोल दिएगा, हाँ ठीक है। तो देखो भैया ये इसके ऊपर एक शूडो फोर्स तो लगेगा, पक्की बात है, इधर एक क्या लग रहा है, तो इस शूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल लग जाएगा, ये इधर और इधर इतना चाहिए, लेकिन ऊपर और नीचे तो जा ही सकता है। अब ये ऊपर जाने के लिए तो कोई और फोर्स है नहीं, लेकिन नीचे जाने के लिए तो एम जी है ना, तो ये नीचे जाएगा किस एक्सेलरेशन से, जी से ही जाएगा, और अगर फ्रिक्शन आ जाता कल को तो वो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगता और उसको बैलेंस भी कर देता, कर ही देता, देखेंगे अपन ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अभी इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको बैलेंस, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब आप सारे क्वेश्चन कर लेना सीट के, ठीक है, चैप्टर पूरा हो चुका है अपना मेरे एंड से, है ना, आपके एंड से नहीं हुआ अभी, क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, तो वो सारे क्वेश्चन निकाल दोगे। कितनी डीपीपी हो गई, पांच डीपी, तूने कितनी कर ली, तीन कर ली, पांच कर ली, अब तो अपनी वो एक्सरसाइज वगैरह बच रही है ना, उनको निपटा दो फटाफट, ठीक है ना। और इस संडे को टेस्ट है ना, एकदम अच्छा जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो बेटा विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।